हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, बल्कि मैं थाईलैंड में हूँ। आज ही मैं थाईलैंड में पहुँचा और अभी मैं पटाया में हूँ। और इस होटल का, जिस होटल में मैं रह रहा हूँ, वो 18 कॉइन नाम है इस होटल का, और मैं यहाँ पे हूँ। और मैं जब इस शहर में आया तो इस शहर में बहुत सी सारी चीज़ों को देखा जो आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। तो यहाँ के लोग, जैसा मैं इंटरनेट पे, मतलब पहली बार जो इंटरनेट पे हर कोई जब भी कहीं जाता है तो पढ़ के आता है, तो मैं भी पढ़ा था कि यहाँ पे काफ़ी लोग हंसमुख होते हैं और अच्छे होते हैं। हालांकि मैं इसको उल्टा देख रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे थोड़े से गुस्से वाले हैं और अजीब हैं। तो आप लोग जब आए तो देखिए, हो सकता है आपका इनकाउंटर अलग लोगों से हो। मेरा इनकाउंटर इन लोगों से हुआ, तो यहाँ पे लोग काफ़ी खुश मिजाज नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप लोग आइए, आके देखिए। और दूसरी बात है, यहाँ के लोग बहुत क्या कहें, इंग्लिश नहीं जानते। यहाँ पे कितने फॉरेनर्स या बहुत लोग आते हैं, पर उन लोगों को इंग्लिश जाननी चाहिए, पर कोई नहीं इंग्लिश जानता, एक वर्ड भी नहीं, नो यस भी नहीं ठीक से जानते हैं। तो यहाँ पे ये भी मुसीबत है। और पहली और दूसरी और ये तीसरी बात है कि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत महंगी है, बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है। और चौथी चीज़ जो है वो वेजिटेरियन के लिए बहुत ख़राब चीज़ है कि उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप खोजें तो खोजेंगे तो बहुत ही कम आपको वेज रेस्टोरेंट मिलेंगे यहाँ पे। सब पोर्क, बीफ, समुद्री मछलियाँ, सारी चीज़ों को मिक्स करके वो लोग हर एक चीज़ में डालते हैं। तो आप जब आएँ तो इसके लिए तैयार रहें खाने के लिए। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक और बात है कि हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, अगर आप खोजेंगे पटाया में तो आपको मिल सकती है और आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लोग बहुत खोजे, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए हम लोग खोजे और हमें बाई लक मिल गया एक आदमी जो एक रेस्टोरेंट चलाता है, इंडियन टच उस रेस्टोरेंट का नाम है, और वहाँ पे इंडियन खाने मिलते हैं। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या अगर आप गूगल मैप पे भी चेक करें वेज रेस्टोरेंट नियर बाई, ऐसा करके, तो बहुत सारे मैंने उसके बाद मिल गया मुझे। मैं उसके बाद खोज रहा, और बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे खोजना हर एक चीज़। तो आप लोग जब आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ महंगी है, हर एक चीज़ जो इंटरनेट पे दिखती है वो नहीं है। और जब आप आएंगे तो अलग एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा भी एक्सपीरियंस अलग है। तो जब आप आएँ तो अपनी एक्सपीरियंस को बताएँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप जानना चाहते हैं और भी चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं थाईलैंड में, क्योंकि मैं पटाया में कुछ दिन हूँ, उसके बाद मैं बैंकॉक जाऊँगा, उसके बाद चेंग माई जाऊँगा, तो पूरे थाईलैंड में रहूँगा। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ जानना है, कहीं भी थाईलैंड के जगह में आपको देखना है, अगर नहीं आ पाते हैं तो मुझे बताएं कमेंट में, और मैं आपके लिए वहाँ पर जाऊँगा और आपको बतलाऊँगा वहाँ पर कैसा लगा, और हर एक चीज़ों की तस्वीर खींचूँगा या वीडियो लेके आपको यूट्यूब पर डालूँगा ताकि आप देख सकें। तो आप लोग बने रहें, कमेंट करें, ताकि मैं जान पाऊँ आप क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं। और ज़रूर पटाया में आएँ, पर मेरे ख्याल से परिवार वाली जगह नहीं है ये। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं, हुआ हीन करके एक जगह है या फुकेट, तो उस तरफ जाएं, अच्छा होगा, और ये पारिवारिक जगह नहीं है। तो आप लोग का स्वागत होगा, ये बहुत ही अच्छी जगह है, पर काफ़ी हद तक आप जब अगर नेपाल गए होंगे तो उसकी तरह है, और यहाँ पे उतना भी फील नहीं होगा कि पहला दिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। आप उतने फॉरेनर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लगेगा इंडिया ही है पर वो लोग मेरी भाषा नहीं जानते हैं, यही फील होगा। चलिए देखते हैं मेरा दूसरा दिन कैसा जाता है, ये तो पहला दिन है, कल देखते हैं कैसा जाता है।